Hi guys, what's up? So आज जैसे कि ये टाइटल कहता है, yes, today I'm going to share with you a tour of my kitchen. ये एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा छोटा सा किचन है. हम फिलहाल अभी टोरंटो कनाडा में रह रहे हैं, तो obviously हम एक रेंटेड बेसमेंट में रह रहे हैं. ये एक बहुत ही छोटा घर है, जैसे कि एक 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स. किचन और ड्राइंग रूम एंड दी डाइनिंग टेबल इज ऑलमोस्ट फॉल्स इन द सेम रूम. बस हल्के फुल्के पार्टीशंस बने हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये एक किचन है. सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. और जो भी नए हैं, हेलो, हाय, वेलकम. मेरा नाम दीपिका है और मैं बस ये कहना चाहती हूँ, स्पेस, चाहे वो कोई भी स्पेस हो, किचन हो, रूम हो, घर हो, चाहे कैसा भी स्पेस हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं आते हैं तो वो बड़ा स्पेस भी खलता है. और अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है या अगर आपको पता है कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, तो आई फील छोटे से छोटा कमरा भी सुंदर लग सकता है. तो आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट और समथिंग. ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो जैसे कि एक हाउस वाइफ या एक गृहिणी या अ पर्सन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन और अ स्पेस कैन एक्चुअली फिगर आउट कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ रखी जा सकती है. तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी और अपने किचन का एक छोटा सा टूर दूंगी. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू देखते हैं मेरा किचन टूर. Okay guys, before I start, this is the glimpse of my kitchen. ये है मेरा किचन और यहाँ पे फ्रिज है. So let's start off from here. So usually we enter our kitchen this way. This is how is it. मेरा मंदिर है, वहाँ मैंने अपना मंदिर बना रखा है. यहाँ पे ड्राइंग रूम है, डाइनिंग टेबल है. And this is how the kitchen looks. So that's the fridge right here. So let's start off from here. So this is the cupboard jiska ek darwaza aaj hi nikal gaya. Pata tha shayad usko ki mereko video banana hai aaj. Anyways, so yahan pe I'll show you what all I keep. So yahan pe I keep, there is a small basket where I keep all my onions aur ye aloo hai. Agar aapne mera kitchen Indian grocery haul dekha hoga to aapne dekha hoga. So ye hai aloo and these are some doily papers which I keep using them. ये डब्बे हैं जो प्रोटीन के डब्बे हैं, उसको अब हमने यूज़ करके इसमें हमने चावल यूज़ करते हैं. और ये वाइट है तो वी यूज़ दिस फॉर आटा. और ये आशीर्वाद का आटा है. और ये सम कंबस्टिबल्स, किचन के ऑर्गेनिक गार्बेज बैग्स हैं. दिस इज़ हाउ आई कीप, सॉरी, सो दिस इज़ वेयर आई कीप माई प्लेट्स. ये एक प्लेट रैक है जिसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 प्लेट्स आ जाती हैं. सो दीज आर दी 4 प्लेट्स. आई लव यूजिंग कलरफुल प्लेट्स. दिस इज हाउ इज इट. ये ताकि स्किड ना हो, मैंने इसको एक हल्का सा एक माइक्रोफाइबर का टाल है वो यूज़ किया है. एंड ओके, सबसे पहले मैं आपको एक किचन का टूर लूँगी एंड देन आई शो यू व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव केप्ट इनसाइड द कबर्ड्स ऑफ माई किचन. उसके बाद ये है एक यूटेंसिल रैक. और दिस इज़ द क्लॉथ दैट वी यूजली यूज़ अंडर द यूटेंसिल रैक. इट इज़ रियली थिक. इट्स अगेन इट्स मेड ऑफ सम फोम एंड फाइबर व्हिच कैन एक्चुअली यू नो होल्ड अप अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर. ऑलमोस्ट 3 to 4 वॉशेज ऑफ यूटेंसिल्स ये होल्ड कर लेता है. और ये है, और ये एक सिलिकन का यू नो होल्डर है जो गर्म बर्तनों को होल्ड कर सकता है. This is how is it. This is the sink. It has 2 sinks, so it becomes easier for you to, you know, wash your utensil and then keep it here and then wash it. So this is how it is. ये है, यहाँ पे usually मैं रोटी बनाती हूँ. and ये एक छोटा सा मैंने डॉलरामा से baskets लिए थे. 3 baskets आए थे. एक basket मैंने kitchen में use किया जहाँ पे मैं अपना condiment sets which is the salt and pepper यहाँ रखती हूँ. ये almonds है. और ये एक छोटा सा डब्बा है क्रीम चीज़ का, इसमें भी मैं काजू रखती हूँ. और इसमें मैं भुना हुआ जीरा रखती हूँ. और ये छोटा सा ये रेजिन्स है, ये केचप बॉटल है. और यहाँ पे मैंने अपने स्पून्स और फोक्स रखती हूँ. अंडरनीथ मैंने यहाँ पे जो टेबल मैट आते हैं वो मैंने यूज़ करे हैं यहाँ पे. ये बैम्बू वाले टेबल मैट्स हैं. दीज आई हैव बीन यूजिंग हियर.
एंड देन यहाँ पे एक डब्बे का लिड था, उसमें मैं अपने सूखा आटा, ड्राई आटा रखती हूँ, उसको कवर करती हूँ एक क्लॉथ के साथ, और यहाँ पे ड्राई टिश्यू पेपर है, और यहाँ पे यूजुअली मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आई कीप अ पेन एंड अ पेपर्स टू जॉट डाउन एनी राशन पानी वाला सामान, एंड दिस इज़ माई गैस रेंज एज यू कैन सी। ये जो ऊपर वाला लेवल है इसमें मैंने ये वाले टिश्यूज़ यूज़ करे हैं, जो अगेन मैंने डॉलरामा से लिए थे, आई थिंक दिस वाज ऑलमोस्ट फॉर $1.25। इसमें आई थिंक 14 to 15 सर्वियट्स आते हैं, ये काफ़ी थिक है, तो इसमें मैंने सेलो टेप लगा दिया है ताकि ये मूव ना हो, एंड दिस इज़ हाउ इज़ इट। सो यहाँ पे मैं घी रखती हूँ और ये रिफाइंड ऑयल रखती हूँ, और फिर ये वाले डब्बे में मैं कसूरी मेथी रखा है, एंड देन दिस इज़ दी हनी विच इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आई नीड टू गेट अनदर, एंड दीज आर अगेन स्मॉल कंटेनर्स, इट्स रीयूजेबल, आई हैव यूज्ड देम अगेन, जिसमें मैंने, और ये कुकिंग रेंज है, इसमें यूजली मैं कढ़ाई और ये सब बर्तन यहीं रखती हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील दैट मुझे खाली किचन पसंद नहीं है, तो मैं यूजली सारा कुछ रखती हूँ, एंड दिस इज़ दी अवन राइट हियर, सो आई हैव केप्ट ऑल दी थिंग्स लाइक माई अवन क्लोथ एंड ऑल, एवरीथिंग इज राइट देयर। और इसके नीचे बेस्ट है, ये एक स्लाइड ऑन टाइप का है, इसमें हम जो प्लास्टिक्स हमें मिलती हैं हम वो सब चीज़ रखते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर द गार्बेज एंड ऑल सर्टन थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो कमिंग डाउन टू द फर्स्ट कबर्ड, सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे मैं हॉर्लिक्स रखती हूँ, बॉर्नविटा, शुगर, एंड देन आई हैव टर्मरिक, और ये डब्बे में नमक है और इसमें जीरा है, और ये भी अगेन एक स्वीट्स का डब्बा था, जिसको मैंने अगेन रीयूज किया है। इसमें काफ़ी सारे डब्बे हैं, हींग है, चना मसाला है, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, 5 फ़ोरन, ये बड़े डब्बे दही वाले डब्बे में 5 फ़ोरन, और एक में अजवाइन है, और ये सेकंड वाले, इसमें ये डब्बे में दालें हैं जैसे आप देख सकते हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा था शुरू में, मैंने ये दो डब्बे और ये दो डब्बे खरीदे थे, बट देन अगेन आई जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ टेम्प्रेरी बेसिस में हैं, एक एक दो दो डॉलर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, जब किचन का आइटम होता है 1 महीने भी आप धीरे धीरे करके जब सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो वो डॉलर में फ़र्क नहीं पड़ता है या पैसों में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दी ओनली थिंग इज़ दैट वो चीज़ें, सामान इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जब आप वापस जाने लग जाते हो वो चीज़ें एक्सेस लगेज में आ जाती हैं, एंड देन यू टेंड टू थ्रो इट बैक और कीप इट बैक। सो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आफ्टर बाइंग दीज टू एंड दीज टू डब्बेज, आई थॉट ऑफ री यूजिंग माई ओल्ड डब्बाज, लाइक ये वाला डब्बा जिसमें मूंग दाल पड़ी है, और वाले डब्बे, वो बॉर्नविटा का डब्बा था, उसको धो के सुखा के मैंने उसमें वो दाल डाली है, और ये हॉलिक्स का बड़ा डब्बा था, सो दिस इज हाउ आई रीयूज देम, एंड देन दिस इज अ बॉक्स, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट आई हैड इन दिस, बट या दिस वाज द बॉक्स दैट आई हैड, अगेन जैसे कि ये घी का डब्बा था, इसमें मैंने मिक्स दाल डाली है, एंड देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज दैट जब मेरे पास दाल के डब्बे कम होते हैं, तो मैं यूजुअली दाल के पैकेट्स में ये क्लिपॉन्स लेके आती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, एयर टाइट होता है, एयर को अंदर नहीं जाने देता है, एंड दिस इज देन हाउ आई स्टार्टेड स्टैकिंग थिंग्स, ऐसे मैं स्टैक करने लग गई हूँ, और यू नीड न्यू ट्रेला है, सो दिस इज हाउ आई कीप स्टैकिंग, सो ये देखिए, एंड देन थर्ड वाला रैक जो सबसे टॉप में है वो बड़ा बॉनवेट है, ऑब्वियसली वो नमक है, दैट इज़ द सॉल्ट राइट देयर एंड दैट इज शुगर, सो दीज आर दी थिंग्स, जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे रीफिल करके रख लेती हूँ, नमक होता है तो मुझे 15-20 डेज में ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी महीना निकल जाता है, सो दैट इज़ द थिंग आई कीप राइट एट दी टॉप शेल्फ। कमिंग डाउन टू दिस वाला, ये वाला कबर्ड, यहाँ पे मेरे पूरे ग्लास वेज है, ये छोटे ग्लास है जिसमें हम जूस पी सकते हैं, एंड दीज आर दी टॉल ग्लासेस फॉर वाटर, एंड दीज आर दी टू प्लास्टिक बोल काइंड ऑफ अ थिंग, इसमें कोई भी फ्रोजन आइटम्स हम भिगो के रखते हैं, एंड दिस इज़ यूजली आई यूज़ फॉर नीडिंग माई आटा, एंड देन दैट इज़ समथिंग वेयर आई डोंट रीच एट ऑल टाइम, सो दैट पोर्शन आई डोंट यूज, डन हेयर, एंड देन कमिंग डाउन हेयर एज यू कैन सी, यहाँ पे आई कीप ऑल माई छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स, यहाँ पे फ्राइंग पैन है, और यहाँ पे एक बड़ा सा बोल है, दिस इज़ माई हैमिल्टन का जूसर मिक्सर 2-in-1 पर्पस, एंड यहाँ पे मैं ये रखती हूँ पूरी, एंड दीज आर दी अगेन
कंटेनर्स दैट आई वॉज सेइंग दीज आर द रीयूजेबल कंटेनर्स, वो बॉर्नविटा का है तो वो ऑलरेडी धो के सुखा के रखा है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आई कैन यूज़ दैट. लाइकवाइज दीज, एंड देन जो मेरा कुकिंग रेंज है उसके नीचे आई यूजली टेन टू यूज़ दीज आर दी बेटी क्रॉकर हैवी ड्यूटी बर्नर लाइनर्स. तो कुछ भी जो गंदा होता है तो ऑब्वियसली जब आप डीप क्लीनिंग करते हो तो आपको एकदम डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप ये लाइनर्स लगाते हो बर्नर लाइनर्स तो वो ऑब्वियसली इतना गंदा नहीं होता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस इज़ वेयर माई सिंक का कबर्ड इज़, यहाँ पे दिस इज़ हाउ इट इज़. सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ फॉर दी ऑर्गेनिक गार्बेज, यहाँ पे सिर्फ फूड आइटम जाते हैं. एंड देन दिस इज़ फॉर दी नॉर्मल गार्बेज, एंड देन द प्लास्टिक राइट बिहाइंड दिस राइट दैट वन वी पुट ऑल थिंग दैट वी कैन रिसाइकल लाइक प्लास्टिक न्यूज़ पेपर सर्टन थिंग्स लाइक इट दैट. एंड दैट इज़ दी टब, और वो है सारे लाइक पाइन सॉल विच वी यूज टू क्लीन आर फ्लोर एंड ऑल्स, एंड दैट्स द डस्ट पैन. Coming down to the first drawer, where the main drawer, because usually I cook my parathas and all here, I make my parathas here. So coming down to the first drawer, this is how it is. As you can see, clean foil, aluminium foil, clean wrap, and all the ladles, graters, and these are all the airtight lids that I have. These are the measuring spoons, everything right here. Going down to the second one. This is where I keep all my, you know, katoris and all. These are katoris here with the lid and all. And these are the three cups that we have. And then coming down to the third one. This is basically the breakfast thing, kind of a thing. Yahan pe mere some snacks hai, which is from Nature Valley Crunchy Oats and Honey. And then these are some oats that I keep here, which are, you know, a mixture of oats and cinnamon. And then these are again oats, which are the President's Choice Instant Regular Oats. Kabhi mujhe soup peene ka man lagta hai ya kuch. And then these are the Rice Krispies. These are again the Rice Krispies, again for the snacks that I like to have at times. And some things there, again a backup of Rice Krispie marshmallow bars, or some biscuits right there. Fourth wala is where I keep all my dry grocery. Yahan pe main apne sare dry grocery rakhti hoon, poha, jeera, some namkeen and peanuts, aur yehi sab. But yahan pe aap dekh sakte ho, there are some almonds, kaju. So these are the stuff, my dry grocery. And then the long one right here, I don't know if you can see, I think okay, right there it's a scotch brite. So this is the one that I was talking about, jo maine apne cooking range ke upar laga rakha hai. And then I keep my serviettes right there and extra aluminium foil. And this is the towel, the cloth towel. And right here I have the 3 liter of sunflower oil and the backup ghee, kasuri methi. Oh yeah, I also use coconut, organic coconut oil. कि जब हम दही दही के डब्बे या कुछ डब्बे खरीदते हैं तो आई जस्ट री यूज इट बाई वॉशिंग देम, ड्राइंग इट एंड देन री यूज दैट डब्बा. बिकॉज जब आप जाओगे तो आपको खलता नहीं है, बिकॉज ये डब्बे ऑब्वियसली आप अपने साथ नहीं ले जाओगे. दैट इज द पर्पज कि मैं ये डब्बे यूज करती हूँ. और ये डब्बे, ये कांच के जो कंटेनर्स हैं, ये यूजली जब आप यहाँ पे रफल चिप्स करके कुछ आता है उसके साथ, इफ यू वॉन्ट टू गो विद रैंच और यू नो अ टोमेटो साल्सा काइंड ऑफ टॉपिंग, तब आप ये खरीद सकते हो. तब यूजली ये आते हैं. तो आप ऑब्वियसली जब ये यूज हो जाते हैं, यू वॉश इट, यू ट्राई देम, एंड देन यू कैन पुट एनी थिंग हेयर. तो दिस इज आई फील कि जब आप अपने इस कंट्री में ना हो, तो अगर आप यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ में. बट आप जब नहीं रहते हैं यहाँ पर, आपको पता है आप यहाँ पे टेम्प्रेरी बेसिस में हैं, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ में इन्वेस्ट करना लाभदायक नहीं होता है. तो तभी मैंने ये सब चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया है. And this is the fridge. It's a double door fridge. This is how it is. Na zyada bhara hai, na zyada khali hai. This is how it is.
एंड दिस इज़ यूजुअली द फ्रीजर सेक्शन जिसमें सिर्फ मिक्स वेज पड़ा है और मटर पड़ा है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फ्रिज. इट्स सब घरों में एक ही जैसा सामान होता है, अदरवाइज द वीडियो इज़ गोना बी रियली लॉन्ग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट गाइज. आई होप यू लाइक माई small kitchen tour. What was the best part that you liked about it in the kitchen? Was the video useful? Kya mere agar tips aapko sahi lage, the one that I spoke about about reusing the plastic wala dabbas, agar aapko sahi laga to. Anyways guys, ye sab tha mere kitchen tour ke bare mein. If you like the video, please do not forget to give it a big thumbs up, like, comment and share. For those who are new, please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.